वेलकम टू माय चैनल। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापान में 2 एटॉमिक बम फेंके गए, जिससे इसकी इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई। और जापान हर 3 सालों में एक बार भूकंप का सामना जरूर करता है। अब सवाल यह आता है कि इस देश के लोग ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये लोग इतनी जल्दी ग्रो हो गए। इस टेक्निक का नाम है काइजन, और हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि काइजन क्या है और हम इसे अपने बिजनेस स्टडी जैसे फील्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। काइजन कहता है कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसे इतने छोटे टुकड़ों में एक्शंस में तोड़ दो कि बहुत जल्द हम उस काम को कर लें। एग्जांपल, हेल्थ के फील्ड में काइजन कितने इफेक्टिव है ये प्रूव करने के लिए रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रिसर्चर्स एक बिजनेस बिल्डिंग में गए, वहाँ के 7th फ्लोर के एम्प्लॉयज से मिले जो कभी एक्सरसाइज नहीं करते थे, और उन्होंने कभी एक्सरसाइज की भी थी तो दूसरों की प्रेशर की वजह से। रिसर्चर्स ने उन्हें हेल्थ के फायदों के बारे में बताया और कहा, हमें हफ्ते में कम से कम 3 बार 40 मिनट तक एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। और उन्हें हेल्थ क्लब की फ्री मेंबरशिप कार्ड दी गई और फ्री ट्रेनर जिम एक्सेट्रा दी गई, जिससे वे मोटिवेट। उसके बाद रिसर्चर्स 11th फ्लोर में गए, यहाँ के एम्प्लॉयज़ भी एक्सरसाइज नहीं करते थे। इन लोगों को भी सेम चीज़ें बताई गई, लेकिन इन्हें फ्री मेंबरशिप नहीं दी गई, बल्कि इन्हें बोला गया कि हर रोज़ ऊपर वाले फ्लोर में लंच के बाद सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है और वापस आके फिर से काम करना है, और नेक्स्ट डे एक सीढ़ी एक्स्ट्रा चढ़नी है और फिर वापस आके काम में लग जाना है, और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। जब रिसर्चर्स 1 साल बाद वहाँ आए तो जिन लोगों को रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ने को बोला गया था दूसरे ग्रुप के कंपेयर में बहुत अच्छे थे, और कई बार ये प्रोसेस अलग अलग जगहों पर करने से रिजल्ट सेम आए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्मॉल काइजन क्वेश्चन। हम अपने दिमाग से कुछ सवाल पूछते हैं तो हमारा दिमाग उसका आंसर ढूंढने में लग जाता है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं आपके पड़ोसी के बाइक का नंबर क्या है, तो ऑब्वियसली हम लोगों में से मैक्सिमम लोगों को यह आंसर नहीं पता। लेकिन मैं कल दोबारा पूछूं कि आपके पड़ोसी का नंबर क्या है, आप फिर इग्नोर कर देंगे। लेकिन रोज़ ये सवाल करने से जब भी आपका ब्रेन आपके पड़ोसी के बाइक को देखेगा, तो चाहे आप उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट काम भी कर रहे होंगे, तो भी आपका ब्रेन उसे छोड़ के उस बाइक के नंबर को स्टोर करने लगेगा। यानी बेसिकली हमारा ब्रेन हमारे किए गए सवाल को कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो इसका जवाब ढूंढने में लग जाएगा। इस प्रिंसिपल को टोयोटा कंपनी ने यूज़ किया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद टोयोटा ने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि आप बस अपने आप से सवाल करें कि आज मैं ऐसा कौन सा छोटा काम करूं जिससे टोयोटा को फ्यूचर में बहुत मदद करे। उन्हें सिर्फ सवाल पूछना था। टोयोटा ओनर्स जानते थे कि इसका आंसर ब्रेन खुद ब खुद ढूंढने लग जाएगा। इसका रिजल्ट यह हुआ कि एक टॉप कंपनी टोयोटा आज नंबर 1 कंपनी है, और ये परंपरा आज भी टोयोटा में चली आ रही है। ये छोटे छोटे स्टेप सुनने में इफेक्टिव ना हो, पर इसका रिजल्ट बहुत इफेक्टिव रहता है, क्योंकि काइजन का मेन गोल है हमारे मन से डर को हटाना, जो हमारे सामने बहुत बड़ा टास्क होने से होता है। ऐसे ही लाइफ के बड़ी से बड़ी टास्क को हम काइजन स्टेप से हल कर सकते हैं। लाइक कीजिए मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और अगर आप मेरा वीडियो कभी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। एंड इन द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।